कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत के बावजूद अखिलेती सरकारी इदारों में कोई सुधार नहीं आया। खासकर कर्नाटका बोर्ड ऑफ औकाफ का भी कोई पुरसान हाल नहीं है। 20 अगस्त को सिद्धरामैया हुकूमत के 3 माह मुकम्मिल हो चुके हैं, अनकरीब 100 दिन भी मुकम्मिल होने वाले हैं। इसके बावजूद कर्नाटका बोर्ड ऑफ औकाफ मुस्तकिल चेयरमैन ना होने की वजह से गैर कारगर हो गया है। वहीं रियासत भर में जिलाई वक्फ मशावरती कमेटियों का भी बुरा हाल है। गुज़िश्ता 5 माह से ज़्यादा अरसे से रियासत भर में जिलाई वक्फ मशावरती कमेटियों की भी कोई मीटिंग नहीं हुई है। कर्नाटक में 29 मार्च को इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक का नफाज हुआ था। इंतखाबी ज़वाबित के मुताबिक कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद बोर्ड की कोई मीटिंग नहीं ली जा सकती। कई एक अजला में मार्च के महीने में भी वक्फ मशावरती कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई थी। इस तरह से 5 माह मुकम्मिल हो चुके हैं या होने वाले हैं, इसके बावजूद पूरी रियासत में ज़िलाई वक्फ मशावरती कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई है, जिसकी वजह से कई अहम फैसले और इकदाम रुके हुए हैं। जिलाई वक्फ मशावरती कमेटी की मीटिंग ना होने की अहम वजह कर्नाटका वक्फ बोर्ड के CEO का 23 मई को एक मकतूब है, जिसमें उन्होंने मोहकमे अखिलेती बहबूदी हज वक्फ के सेक्रेटरी को एक ख़त लिखा था और मौजूदा जिलाई वक्फ मशावरती कमेटियों के ताल्लुक से वजाहत तलब की है। वक्फ बोर्ड CEO ने मोहकमे अखिलेती बहबूदी हज के सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट को ख़त लिखा था कि चूंकि नई हुकूमत ने 22 मई 2023 को एक मकतूब जारी करते हुए गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान तकर्रुर करता तमाम कॉरपोरेशंस, बोर्ड अथॉरिटीज़, कमीशनों के चेयरमैन और मेंबरान को बर्खास्त कर दिया था, ऐसे में गुज़िश्ता हुकूमत के ज़रिए तकर्रुर करदा ज़िलाई वक्फ मशावरती कमेटियों का क्या किया जाए। वक्फ बोर्ड CEO ने महकमे अखिलेती बहबूदी हज वक्फ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट को वजाहती मकतूब रवाना करने के साथ साथ तमाम डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर्स को भी इसकी कॉपी अरसाल करते हुए कहा था कि जब तक हुकूमत की जानिब से कोई जवाब ना आए, जिलाई वक्फ मशावरती कमेटियों की कोई सरकारी मीटिंग की इजाज़त ना दी जाए। वक्फ बोर्ड CEO ने यह वजाहती मकतूब 3 माह पहले रवाना किया था। इसके बावजूद महकमा अखिलेती बहबूदी हज वक्फ के सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट की जानिब से वक्फ बोर्ड CEO को कोई जवाब नहीं मिला है। दूसरी जानिब औकाफ के खवानीन के माहिरीन का कहना है कि रियासती वक्फ बोर्ड चूंकि वफाकी कानून के तहत तश्कील करदा खुद मुख्तार इदारा है, ऐसे में इसके रियासती अरकान व चेयरमैन व ज़िले वक्फ मशावरती कमेटियों के चेयरमैन व अरकान हुकूमत के आर्डर से मुस्तस्ना हैं। ये तमाम अपनी कानूनी मियाद की तकमील तक ओहदे पर बरकरार रह सकते हैं। इसी कानून के तहत सिद्धरामैया हुकूमत ने चेयरमैन मौलाना शफी शहादी समेत 4 अरकान को मुअत्तल करने वाला 22 मई का आर्डर 24 मई को वापस ले लिया था। कायदा कानून इतना वाजह होने के बावजूद महकमा अखिलेती बहबूदी हज वक्फ के सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ज़िले वक्फ मशावरती कमेटियों के ताल्लुक से संजीदा नज़र नहीं आ रहा है और वक्फ बोर्ड CEO को कोई वजाहती जवाबी मकतूब रवाना नहीं कर रहे हैं। सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट की इस तसाहुरी की वजह से ज़िले वक्फ मशावरती कमेटियों के सुदूर और अरकान में ज़बरदस्त बरहमी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि बाज़ ज़िले चेयरमैन से रियासती वक्फ बोर्ड CEO को मकतूब रवाना करते हुए अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं और अस खुद मुस्तफ़ा होने की पेशकश भी की है। दूसरी जानिब वज़ीर औक़ाफ अलहाज BZ जमीर अहमद ने भी इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी है। गुज़िश्ता मीटिंग में वक्फ बोर्ड CEO के इस सर्कुलर के तहत वज़ीर मौसूफ़ को आगाह भी किया गया था, इसके बावजूद भी वो खामोश बैठे हुए हैं। गौरतलब बात यह है कि मौलाना शफी सादी ने 4 जुलाई को रियासती चेयरमैनशिप से रजाकाराना तौर पर इस्तीफ़ा दिया था। फिलहाल वो कारगुजार चेयरमैन के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब नए चेयरमैन का इंतखाब कब होगा, ये भी बड़ा सवाल है। ज़राए का कहना है कि नए रियासती चेयरमैन की तकरीरी के बाद ही ज़िलाई वक्फ मशावरती कमेटियों को मीटिंग की इजाज़त दी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।